सुविधा नहीं है, फॉर एजुकेशन डिसेबिलिटी इसको सुविधा वेलफेयर ट्रस्ट ने स्टैब्लिश किया और सुविधा वेलफेयर ट्रस्ट पिछले 3 सालों से जो है अस्तित्व में आया है, लेकिन मैम 15 से 20 सालों पहले से जो है सोशल वेलफेयर सेक्टर में काम कर रही है, जैसे कि अभी आप सुने गए एक कॉन्सेप्ट आया कि स्पेशल फील्ड में उसके लिए स्पेशल इंक्यूबेटर तैयार करने के लिए एक कॉलेज को स्टार्ट करना है, तो सुविधा इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन डिसेबिलिटी अस्तित्व में आया और मैंने जैसा अभी कहा कि हमारे जो भी बच्चे निकलेंगे वो आज की जनरेशन में डिसेबिलिटीज की जो चैलेंजेस हैं जो नए नए चैलेंजेस दिन प्रति आ रहे हैं, जैसे पहले 7 कैटेगरी हुआ करती थी अभी 21 कैटेगरी हो गई आरपी 2016 के अंतर्गत, तो उन चैलेंजेस को वो बच्चे फोकस शामिल निकले तो उनको कोई दिक्कत ना हो, सबसे ज्यादा फोकस हमारा इसी पर रहेगा। इसके लिए हमने सोचा है कि हम उनको जो है ऐसा माहौल दिलवाएंगे ट्रेनिंग पीरियड में ही, जैसे कि आप देख रहे हैं एडुकेटर लैब है या रिसोर्स रूम है, रूरल एरियाज के बच्चे आते हैं हम इंटरव्यूज को फील्ड में भेजेंगे तो 2 साल बाद उन्हें दिक्कत नहीं आने वाली, वो क्लासरूम में जाएंगे या फील्ड में जाएंगे या किसी भी चीज को वॉलंटरी सेक्टर को भी ज्वाइन करेंगे। मैं कहता हूँ कि लोग आजकल पीटीसी को देखें स्पेशल एजुकेटर बन रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो है बच्चे नहीं है, बच्चे देहात में सबसे ज्यादा है, जब क्लास में जाएंगे और एक स्पेशल एजुकेटर जाएगा तो अगर बच्चा चैलेंजिंग है तो उस बच्चे को सपोर्ट होगा, तो इस सोच के साथ हमने सोचा है कि 2 साल की जो ट्रेनिंग होगी उसमें उनको इंटर्नशिप टूर एजुकेशनल विजिट्स क्लिनिकल सर्विसेज के तहत तैयार किया जाए ताकि वे एक अच्छे स्पेशल एजुकेटर बन सके और अपने उद्देश्य को पूरा कर सके। मैम हमारी सुनीता कुमार जी, इन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया लगे जैसे एजुकेशनलिस्ट और जॉब किया, लेकिन उन्हें लगा कि भाई समाज को कुछ देना चाहिए, हम ऐसे जॉब करके नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने अपनी जॉब को छोड़ दिया और पिछले 15 सालों से 20 सालों से वो सोशल सर्विस सेक्टर में है। बट जैसा कि बात हो रही थी, जब लगा कि नहीं बहुत सी चीज़ें हम बिना ऑनलाइन तरीके से नहीं कर सकते, तो उन्होंने जो है सुविधा वेलफेयर ट्रस्ट की नींव डाली और उसके तहत छोटे छोटे अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए छोटे छोटे, मैं कहता हूँ कि अगर किसी को हमने सही जगह पहुँचा दिया तो एक बहुत बड़ी चीज़ जुड़ाती है उसके लिए, कार्य को करना स्टार्ट किया और ये हमारा जो सुविधा ये RPWA 1995 और RPWA 2016 हो गया, इसके अंतर्गत रजिस्टर्ड है विभाग से और RCI ने जो है 25-25 सीटों की इंटेक की है। ये आप देख सकते हैं हमारा इंस्टीट्यूट है, ये हमारा स्टाफ है, हमारा के स्टाफ ये बैंक के स्टाफ है जिसमें गेस्ट फैकल्टी के रूप में भी हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, इंटरप्रेटर्स हैं। देखिए हमारा फ्रंट गेट है विथ एक्सेसिबल रैम, इसमें रैम है, हमारे यहाँ व्हील चेयर रखी हुई है, अगर कोई भी डिसेबल्ड पर्सन बच्चा पेरेंट्स आता है तो उसको उसकी जरूरत होती है तो हम उसको प्रोवाइड कराते हैं। सपोर्ट बार्स लगे हुए हैं पूरे कैंपस में, जैसे कि आपने देखा हमारा जो क्लासरूम है वो देखिए यहाँ पे सामने लगा हुआ है ट्राइसाइकल, कि अगर कोई स्टूडेंट है तो उसे कोई दिक्कत मोबिलिटी में ना हो, इतना स्पेस बनाया गया है कि उसको आसानी से हम उसके लेक्चर को अटेंड कर सकें, पूरा वाईफाई कैंपस इनेबल्ड है और आपने देखा डिसेबल्ड के लिए वायरलेस अलग अलग कि बच्चों को भी दिक्कत ना हो। ये हमारा क्लासरूम है, ये देखा ऑडियोमेटर लैब में हमारे ऑडियोलॉजिस्ट सर जो है बच्चों की PDA निकालते हुए, कोई भी बच्चा या कोई भी हेयरिंग चाइल्ड आता है तो हम जो है ऑडियोमेट्री लैब में उसका असेसमेंट करके उसको फिर आगे प्रोवाइड करा देते हैं। मेरे को बच्चे को बताना था आपसे, मतलब कि इसलिए डेलीगेट्स होती हैं और बताया भी था देने के टाइम पे कि जो है बहुत जल्दी ये सब दस वर्ष पकड़ती है, उनको हाथ मार के रखेगा और पीछे आप देखते हैं मोल्डिंग की मशीन रखी हुई है, इसलिए मोल्ड वगैरह बनते हैं, इसलिए कभी उनको वहाँ पर रखा जाएगा बारिश के समय तो नमी की वजह से। ये इम्तियाज जी जो है कंप्यूटर लैब स्टेशन है, तो ऑनलाइन एग्जाम जो हुआ है RCI द्वारा, तो इसमें वैसे बहुत से बच्चे जो रूरल एरिया से आते हैं जिनको कंप्यूटर की भी सीखी हुई नहीं है, उनको ऑनलाइन टेस्ट देने में उनको दिक्कत आने वाली थी,
रिलैक्सेशन के बाद ये कार्यक्रम जो है जो आप देख रहे हैं स्लाइड पे, ये अरिमा सिन्हा जो की एवरेस्ट क्लाइंबर है, डिसेबल्ड है, उन्होंने अपना एक फाउंडेशन, उनका एक फाउंडेशन है जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत किसके जरूरत है कितने भी मिलता है, तो उन्होंने हमारी मैम को बतौर मुख्य अतिथि बुलाया, मैम वहाँ गई और उन्होंने जो है 14 बच्चों को बुलाया, सर्टिफिकेट्स दिए, जॉब फेयर उनको जॉब भी प्रोवाइड हुई और अपने ये जो लखनऊ में डिसेबिलिटी हेल्पलाइन की स्थापना हुई उसकी बात हुई उसको इनॉग्रेट हमारी मैम ने किया, देखिए आप मैम भी प्रदर्शित करते हुए साथ में श्री संगीता भाटिया जी मेयर ऑफ लखनऊ, श्री सुधीर रंगाचिया जी समाज सेवी बहुत बड़े लखनऊ के सोशल सर्विस सेक्टर के पर्सन हैं, ये सी आर ई का एक प्रोग्राम जो ग्यारहवीं मेमोरियल शिक्षक संस्थान द्वारा आयोजित किया गया, मैम को बतौर मुख्य अतिथि वहाँ पर बुलाया गया, मैम ने वहाँ दिए अपने विचार के रखे, ये तो एक दो स्लाइड्स हैं, अगर उसको हम पीपीटी में बनाने लगे तो कई घंटे लग जाएंगे जी। लखनऊ में जो भी आयोजन होते हैं या जो भी रिहैबिलिटेशन से फील्ड से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसमें मैम हमारी रहती हैं, ये हमारा जो है हमारे नॉलेज पार्टनर्स हैं, जिसकी सामाजिक संस्थान क्रिएटिव माइंड मातु रेडियो, उससे हमारा इंटरव्यू है कि हमारे जो बच्चे ट्रेनिंग करेंगे उनको प्रैक्टिकली नॉलेज के लिए क्लास असेसमेंट के लिए और ग्रेजुएशन के लिए हमारे अच्छे इंटरव्यू है, फिर वहाँ जाकर ट्रेनिंग ली। इसमें जो विशिष्ट समाज संस्थान बना हुआ है इसमें एचआई बीमार बहुत बड़ा काम चल रहा है, काफ़ी सारे लोग हैं और जो क्रिएटिव माइंड है ये फोकस ज़्यादा करती है एम आर और स्टेम के बच्चों की ट्रेनिंग पर ज़्यादा ये फोकस करती है, जो हमारे एजुकेटर होंगे वो जाएंगे यहाँ पर और इंटर्नशिप के तौर पर वो सीखेंगे, ट्रेन करेंगे बच्चों को, उनसे सीखेंगे भी काफ़ी कुछ है कि मिलेगा। और जो मात्र रेडियो में बता रहा है क्या है कि पकाना सीखना एक चीज़ हो गई, मशीन भी आपको पता होना चाहिए कैसे चलती है, इसलिए मात्र रेडियो से हमने किया था कि आजकल टेक्नोलॉजी के हिसाब से भाई कंप्लीट नॉलेज आपको होनी चाहिए कि डिवाइस क्या है, कि ऑपरेट कैसे होती है, उसका यूज़ क्या होगा, पता नहीं चाहिए कि आप टीचर हो केवल भविष्य में ही बताओ या पैसा नहीं समझो, उसकी ज़रूरत कितनी है, कहाँ पर कैसे आपने जो है मशीन को लगना है, लखनऊ में काफ़ी सालों से जो है सेक्टर में है बहुत फेमस इंडस्ट्रीज हैं और जो कैम गवर्नमेंट वगैरह के भी लगते हैं और ये सब आसपास ही है जहाँ जैसे ही घर बात करते हैं दृष्टि पड़ता है और जैसे ही घर से आप आए थे पिटौरी चौराहा और आसानी से हमने अपने सारे फीचर्स